पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चुनाव की तारीख निर्धारित होने के बाद रविवार को निर्यातक अपना नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। नवैदुर्रहमान गुट की ओर से निर्यातकों ने अपना नामांकन कराया, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए नवैदुर्रहमान ने और सचिव पद के लिए अवधेश अग्रवाल ने अपना नामांकन कराया। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर हामिद, उपाध्यक्ष प्रथम के लिए शरद बंसल, उपाध्यक्ष द्वितीय के लिए नदीम खान, उपाध्यक्ष तृतीय के लिए अनुशेष सिंह, ऑडिटर के लिए हेमंत अग्रवाल, संयुक्त सचिव प्रथम के लिए शाहनवाज खां के अलावा अन्य निर्यातकों ने भी अपना नामांकन कराया। इस अवसर पर अध्यक्ष पद के दावेदार नवैदुर्रहमान ने बताया कि ट्रेड के लिए लड़ाई लड़कर निर्यातकों को साथ लेकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। देखिए, ये चुनाव एक उम्मीद है, नए बदलाव का एक है और हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी बदलाव आएगा, क्योंकि इसमें नई जनरेशन जो है वो हमारे सामने आ रही है, सारी नई टीम है, बिल्कुल सारे लोग नए। ट्रेड के लिए हमारी पूरी कोशिश ये है कि आज हमारी जो ट्रेड है वो नहायत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है और हमें एक साथ सब मिलकर एकजुट होकर ही इस ट्रेड के लिए पूरी कोशिश करनी है, ताकि हम जो भी हमारे सामने परेशानी है उनका हम समाधान कर सकें और अपनी बात सारे मंत्रालयों में रख सकें। मैं सबसे ये उम्मीद करना चाहूँगा सर, एकजुट होकर हम सारा काम करें और हमारे अंदर एक इत्तेहाद होगा तो हम पूरी तरह से इंडस्ट्री के लिए तभी लड़ सकते हैं जब हम एकजुट होकर जुड़ें। तो वहीं सचिव पद के दावेदार अवधेश अग्रवाल ने बताया कि अब तक मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पर हमारे बड़ों ने काम किया, लेकिन इस बार युवाओं ने इस एसोसिएशन की जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया है। इसीलिए सभी निर्यातकों से अपील की गई कि निर्यातक युवाओं को मजबूत कर युवाओं को मौका दें, जिससे कि निर्यातकों की समस्या का निस्तारण हो सके। एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चुनाव का नॉमिनेशन, जिसमें हम लोगों ने पूर्ण व्यवस्था के साथ 22 लोगों के लिए नॉमिनेशन किया है, जिसमें हमारे कार्यकारिणी के और बाकी ऊपर के लोग हैं। तैयारी ये है कि इलेक्शन जीतने की तैयारी है, पूरे शहर के युवा निर्यातकों का और पुराने निर्यातकों का हमें सहयोग प्राप्त है, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो पिछली व्यवस्थाएँ हैं उनको बदला जाए। ये एसोसिएशन का दुर्भाग्य है कि 1953 से आज तक कुल एसोसिएशन ने 232 मेंबर बनाए 2200 एक्सपोर्टरों के बीच। नामांकन प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार यादव की मौजूदगी में संपन्न हुई। वहीं निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार यादव ने बताया कि 4 तारीख से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 13 मई तक जारी रहेगी। इसी क्रम में रविवार को नामांकन पत्र जमा कराए गए, जिसमें कुल 44 नामांकन पत्र प्रथम दिन जमा किए गए। 7 मई को भी नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। आज प्रथम दिन कुल 44 नामांकन हुए हैं, 44। नामांकन की अंतिम तिथि क्या है? नामांकन की अंतिम तिथि कल दिनांक 7 मई 2018 है और 4 बजे तक कल। कितने बजे से? 11 बजे से 4 बजे तक। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।